हिलाइबे ना बाबू के ऐसा ही होता है। और आरा गाड़ी करता बस 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 बेटा राम दोनों पंखा चलते हैं। माइक सचरे सदरी बाबा राम के हराना मराम ढकना मरने पेड़ का और गुरु नजदीक से तशरीफ लाया आशीष और मैंने भी आनंद पता किया और शिक्षक की इजाजत हो गई। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। बिल्कुल
मुझसे पहले आए अबावा साहब मिलते थे, अरे कुछ बोलिए ना, जो मैं कह रहा हूँ वो साफ साफ समझ में आ रहा है। मुझसे पहले आपने निहायत ही मुदल्लल होकर कतीबे की शान साहिबुल बयान हजरत अल्लामा मौलाना शमशुद्दीन साबरी से आजादी के खुदूस समाज हमारे मौलाना फरमा रहे थे कि 30 साल पहले जिस केवल मत मत थे सच्ची बात ये है कि हिंदुस्तान सियासत बदल जाने से लिए अभी की सेहत नहीं बन रही है। और सीएम और पीएम बदल जाने से दलिया का भी नहीं बदलने वाला है। हाँ ये भी सही है कि जो बेचारे अखबार भी नहीं पढ़ पढ़ और जो बेचारे सियासत की हिज्जे भी नहीं जान वो दूर से सरिया का पत्थर जरूर मारा। लेकिन मैं जानता हूं कि वो हमारे ही लोग अब पत्थर का जवाब है पत्थर से तो दे नहीं सकता। इसी की ये काम मेरे मुफ्ती आजम ने नहीं सिखाया है। उनकी गुफ्तगू के बाद मद्दाहे फैजुल नामा हजरत मौलाना शकील नाम पूरी से कुतुबे जमा सैयदी मौलाई सरकारे गंज मुरादाबाद की रिक्त से भरी हुई नात समाप्त की और उनके बाद देखने से आपको नहीं लगता होगा कि ये कौन है क्या है जिनसे आपने हजरते मौलाना रूम है अल्लामा जामी की कलाम का कलाम फारसी में जो आपने समाप्त की वो ऐसे हाफिज और कारी हैं कि माशाल्लाह 3 दिन में 1 खत्म कुरान शरीफ तरावी में सुनाते हैं और इसी के साथ साथ आईटी के वो एक्सपर्ट हैं नाते रसूल इसलिए नहीं पड़ता है आशिक कि इससे रोजियों का रिश्ता है नाते पैगंबर इसलिए पड़ता है आशिक कि इससे निजात का रिश्ता जुटा हुआ है।
अब बलियावी से कुछ सुनने का मूड बन गया हो। पीछे कौन बच्चा सब रहता है? नोटबंदी के बाद तो सिक्कों का कमाल है। तो क्या इरादा है, सुनने का मूड है कुछ? कितने लोग सुनने के मूड में बैठे हैं, जरा हाथ उठा कर सवाल। अब इतनी जल्दी भी क्या है कि इरादा, अरे जरा उठाए हो तो लगे हुसैनी हो, इस रंग में उठाए। सुभान सुभान अल्लाह, जोर से जोर से और जोर से। अब जब उठा लिए हो तो सारा मजमा हाथ लहरा के कह दे या हुसैन, जोर से जोर से, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। आज हम और आप एक मस्तान के उर्स में आए। जी बादशाह के उर्स में नहीं, मस्तान के उर्स में। जब बात अच्छी लगे तो जरूर बोल लीजिए। और स्टेज वाले कुछ न बोले तो इन्ना लिल्ला जरूर पढ़ लीजिए। इसलिए कि ये आयते पाक सिर्फ मैयत की खबर सुनकर पढ़ने के लिए नहीं उतरी, बल्कि जब जब मुसीबत आवे तब तब पढ़ो, मुसीबत दूर हो जाएगी। धरती पर इससे बड़ी मुसीबत तो फैल बाबू कुछ हो ही नहीं सकते कि जिक्र नबी कहो और आशिक चुप रहे। इसलिए स्टेज वाले बोले तो आप नारा ठोक देना, और ये ना बोले तो इन्ना लिल्लाह मन ही मन में पड़ते रहे। तवज्जो चो बाबू, जल्दी निकलो, हां अब आने की जरूरत नहीं है। वैसे जी करेगा तो लौट आ। मोहब्बत से बोल रहे हैं, सुभान अल्लाह। मस्तान के उर्स में आ गया। और जब कोई मस्तान होता है ना तो उसका कोई महबूब भी होता है। बगैर महबूब के कोई मस्तान नहीं होता, बगैर मंजिल के कभी मस्तानी नहीं आती। जब महबूब और मंजिल दोनों समझ में आ जाए जब महबूब और मंजिल, क्या बात है, क्या बात है, जब दोनों समझ में आ जाए तो मंजिल और महबूब दोनों को पाने के लिए आशिक कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो समंदर पार भी कर सकता है, वो आपकी गोद में छलांग भी लगा सकता है, वो पहाड़ों से कूद भी सकता है, और अपने महबूब के दुश्मनों की जान भी ले सकता है, और अपने महबूब के खातिर जान दे भी सकता है। अच्छा, अगर बात समझ में आ रही हो तो बोलना। देखो बलियावी को कभी कभी बुलाना आसान होता है, तकलीफ कराना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि रटी हुई कैसी छो तो बटन दबा दें। जब मजमा रंगदार हो, स्टेज धांसू हो तो माल निकालने में मस्ती आए। बोल लो, बोल
झूम के जी साहब आगे आगे जब छेड़े हैं तो आगे जब महबूब और मंजिल पहले स्टेज की तवज्जो चाहते हैं जी, जी। महबूब और मंजिल लोग थे महबूब नहीं था काबा था महबूब नहीं था बोलो यार बोलो रब था लेकिन धरती पर उसका महबूब नहीं था लेकिन सलाम है 12 रबीउल नूर को सलाम है 12 रबीउल नूर के सुबह सादिक को जाने कुर्बान हो सुबह सादिक के लम्हों को कि रब की रहमत पुकार पड़ी रब की रहमत पुकार पड़ी रब की रोजियां खाने वालों रब की दी हुई जिंदगी जीने वालों रब की बनाई हुई जमीन पे चलने वालों रब के बनाए हुए आसमान के नीचे सांसें लेने वालों रब के बनाए हुए चांद और सूरज की रोशनी में मुस्कुराने वालों अब तक नबी जा रहे थे अब महबूब जा रहा अब तक नबी जा रहे थे अब महबूब जा रहे हैं खाने काबा मस्ती में है महबूब आ रहे हैं नारे तकबीर नारे रिसालत उससे मुकद्दस अब आलमे तसव्वुर में बलिया भी खाने काबा की गुंगी दीवारों को चूम कर कह रहा है काबा जमाना आदम का तू काबा था दौर इब्राहिम का तू काबा था जमाना यूसुफ का तू काबा था दौर इसहाक का तू काबा था दौर यूसुफ का तू काबा था जमाना कलीमुल्लाह का तू काबा था दौर खलीलुल्लाह का तू काबा था लेकिन तुझ पर वो मस्ती कभी नजर नहीं आई आज ये मस्ती क्यों है तो खाने काबा जवाब देता है नबियों के जमाने में सिर्फ काबा रह गया था महबूब के जमाने में किबला भी बनने वाला हो नारे तकबीर नारे रिसालत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब अब इंडिया के नहीं पूरी दुनिया के चाहे पैजामे का साइज जो हो चाहे पैजामे का साइज जो हो बरेली के इमाम अहमद रजा पे फतवा देने वालों मुफ्ती आजम पर उंगलियां उठाने वालों गरीब नवाज के आशिकों को मुशरिक कहने वालों महबूबे इलाही के आशिकों को कब्र पुजवा करने वालों साबिर अलाउद्दीन के सदका खोरों को गिरी नजर से देखने वालों अरे हिम्मत है तो हरम का मुफ्ती हिम्मत है तो हरम का मुफ्ती क्यों नहीं डब्बे से बाहर आता और आकर जरा एक बार तो बोल दे एक बार तो बोल दी क्या बोल ये बताऊंगा लेकिन उससे पहले जोर से जोर से सिर्फ एक चूंकि हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट यहां बैठे हुए भाई बाबी साहब ये सूफियों का कमाल है कि हैं अमरिंदर लेकिन आशिक है साबित
अच्छा मैं भी सोचता रहा मौला कि हजरत ने गांव मुंतखब किया तो आशापुर क्यों किया। आशापुर दिल्ली क्यों नहीं की? निजामुद्दीन की दिल्ली मुंतखब कर, साबिरे पाक का कलियर मुंतखब कर, गरीब नवाज का अजमेर मुंतखब कर, तो तुर्बत से सदा आएगी कि आशिकों के बीच में आतंक फैलाने वाले जब ये कहेंगे कि कहां जा रहे हो, कुछ नहीं मिलता, तो इसी आशापुर से पैगाम दूंगा कि निराशा मत हो, वो अभी आशा बाकी है। अब रह गई चायखाना के मौलाना लोगों की, तो अल्लाह उनसे महफूज रखे। हम तो रोज के भुक्त भोगी हैं भाई, जिसको फारसी की पहली समझ में नहीं आती है वो बुखारी समझाने आ जाता, तो मैं सीधे कहता हूं भैया तुझ जैसे इतने बड़े समझदार से हम दूर रहें तो ही ठीक रहे। तो सिर्फ एक शेर अगर सुनना चाहते हैं तो बोल लीजिए। सुभान अल्लाह। हजरत देखें कल्ब में, कल्ब समझते हैं, कल्ब में एक तड़प उठी, कल्ब में तड़प एक तड़प उठी। आप जरा सोच लो, जिस्म का कोई हिस्सा नहीं तड़पता सिवाय दिल बेशक कल्ब में एक तड़प उठी, आंसुओं से वजू किया, कल्ब में एक तड़प उठी, आंसुओं से वजू की, छोटा सा दिल लेकिन पूरी बॉडी में कितना हसास है, इसी को सबकी फिक्र है, इसी को सबकी फिक्र है। चोट लगे उंगलियों तड़पे दिल, दर्द हो सर तड़पे दिल, घायल हो जिसे तड़पे दिल, खून बहे उंगलियों से तड़पे दिल, जनाजा जाए बाप का तड़पे दिल, मैयत हो भाई की तड़पे दिल, कल्ब में एक तड़प उठी, आंसुओं से वजू किया, वो जो याद आ गए अपनी नमाज हो गई, वो जो याद आ गए अपनी नमाज हो गई, कब बोलोगे यार? अगर दिल वाले बैठे हो तो जरा सा आ जाए मैदान में, वो जो याद आ गए, वो जो याद आ गए अपनी नमाज हो गए। जोर से जोर से जोर से पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं जी। अगर आपने इस नुक्ते को संभाल लिया तो अगली गुफ्तगू और रंगीली हो,
वो जो याद आ गए अपनी नमाज हो गई, हमें याद उसकी आती जिसे कभी देखा गया हो, जिसे कभी देखे ही ना हो, उसकी याद कैसे आएगी। वो जो याद आ गए अपनी नमाज हो गई, देखे नहीं याद आया, देखे नहीं याद आया, देखे नहीं याद आया। मैंने पूछा सूफी तुफैल साहब कैसे याद, कहा सब भूल जाएंगे लेकिन वो पाए नाज कैसे भूल जाऊं, जब पत्थरों पर पड़े तो निशान बन जाए, वो साथ कैसे भूल जाऊं जिसके इशारे पर डूबा सूरज लौट आए, वो उंगलियां कैसे भूल जाऊं जिसके इशारे पर चांद तो टुकड़े हो जाए। मैंने कहा कि देखा भी है या सिर्फ सुना है, देखा भी है कि सिर्फ सुना है, तो ये जवाब देंगे देखा कि न देखा ये तो बात की बात, लेकिन उन्हीं के बेटे उन्हीं के शहजादे बगदाद वाले दाता कब बोलोगे, बगदाद वाले दाता अमा बलियावी का इश्क नहीं, हकीकत ये है कि वो पीराने पीर भी हैं, हम सबके दस्तगीर भी हैं। पीराने पीर भी हैं, हम सबके दस्तगीर भी हैं। तो तुफैल साबरी साहब बोल पड़े, उन्हें देखा ना देखा ये बात की बात, लेकिन उनके बेटे के बेटे के बेटा बगदाद के दाता को देखा, तो यहीं से आंखों की रोशनी में इजाफा हो गया, दिल रोशन होकर बोल पड़ा कि जब बगदाद वाला ऐसा है तो मदीने वाला तो सोच से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। वो जो याद आ गई अपनी नमाज हो गई, वो जो याद आ गए अब पीछे वाली कड़ी जुड़ जाए, मस्तान मस्तान मंजिल और मस्तान, मंजिल और मस्तान। तो जब तक महबूब नहीं आए थे काबा तो था मंजिल नहीं थी, काबा तो था मंजिल नहीं थी। और ये जवाब मुझसे मत मांगो, अरब के सबसे दबंग मारा, जिन्होंने जिनको ये खबर मिली कि 40 मुसलमान हो गए, कितना तब उन्होंने तलवार निकाली और घुमाकर मक्के में ऐलान किया कि 40वां नहीं होने दूंगा। इतने दबंग, क्या कहा, 40वां नहीं होने दूंगा। तब से यदना अबू बकर ने अर्ज की, हबीबी या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, उमर ने चैलेंज किया है कि 40वां नहीं होने दूंगा। नबी रहमत मुस्कुराकर फरमाते, अबू बकर घबराओ मत, 40 तो उमर से ही पूरा किया जाएगा।
अब अगर कोई मौलवी मौलाना चालीसवां के खिलाफ भाषण दे तो समझ लेना उम्र के पुराने मजहब पर है, और जो चालीसवां की हिमायत करे समझ लेना उम्र के दूसरे मजहब पर है। मस्तान भी और मस्तों की तारीख पढ़नी हो तो किसी और से नहीं सैयदना वैसे करनी से पढ़ लो। झूम के होए झूम के मस्त भी मंजिल मंजिल भी मस्तान भी सुना नहीं देखा नहीं है सिर्फ सुना है। कहां मदीना कहां करण कहां मदीना कहां करण अभी तो यहां तक कहता जो ईमान यही है कि नबी से इश्क करने वालों इस पर क्यों बेचैन हो कि तुमने उनको देखा नहीं। अरे तुम तो उस नबी के आशिक हो कि तुम देखो या मत देखो मुस्तफा तुम्हें देख रहे हैं। और मेरे नबी तो इसे देखते कि दुरूद पढ़ते वक्त किसका होंठ हिला क्या कहते हैं किसका नहीं हिला और सुनने का आलम तो ये है कि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फरमाते हैं दूर नजदीक के वाले वो कान वाह 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 सुनने वाले वो कान सुभान अल्लाह काने लाले करामत पे लाखों सलाम सुभान अल्लाह। वो जो याद आ गए अपनी नमाज हो गए तो झगड़ा इसी बात का है जी। झगड़ा चादर का नहीं झगड़ा उर्स का नहीं झगड़ा संदल का नहीं झगड़ा तीजे का नहीं झगड़ा फातिये का नहीं। वही मर्जी तेरी अपनी बाप की कब्र पे फातिया पढ़ मत पाओ। बाप तेरा तू जान दादा तेरा तू जान उसका झगड़ा नहीं। झगड़ा तो इसका है कि वो नमाज पढ़ता नबी को हटाकर और हम नमाज पढ़ते हैं नबी को बुलाकर। झूम के बोलो सब क्लियर बोलो बगैर उनके आए नमाज होगी क्या? बिल्कुल नहीं। ये तो ऐसे ही हुआ कि लोटा पर भी आ हो गए मालूम है कि नहीं ये हाथ। अरे वाह क्या अमरिंदर भाई आज भी लड़का गोवा में है और लोटे पर भी आ हो गजब है। अब कोई ना रहे तो खड़ाने पर काम चल जाए। अब लोटा और खड़ाऊ की बात तो भी नहीं कर सकता
लेकिन जहन करीब कर लो वो जो याद आ गए। अपनी नमाज, अच्छा ईमान से बोलना, नमाज किसके लिए? लो ये भी पता है, नमाज किसके लिए? अरे नियत वक्त बांधते हो कि नहीं? नियत की, जोर का, फजर की, फर्ज वास्ते। तो नमाज किसके लिए? तो डर के टाइम नमाज किसके लिए? और सुनो मसल के आला हजरत क्या है, अहले सुन्नत क्या है। मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं है, बेशक बलियावी तो कहता है कि मसलक तो करबला वाले का था, मशहूर हुआ है मसलक रजा से। तवज्जो जी, क्या बात है, तवज्जो। बैठ जाओ बेटा, बैठ, पढ़ने जाते हो? मेहनत से पढ़ना, गलियाबी की मुस्तकबिल यही है कल के, तेरे मुस्तकबिल यही है कल के, और इसी के लिए कौमी इत्तेहाद मोर्चा बनाकर पूरी तबीयत से लड़ाई छेड़ दी। लौटूंगा इधर थोड़ी देर के बाद, पहले ये गुफ्तगू समाप्त कर लो, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। क्या कह रहा था, किसी को याद है? नमाज किसके लिए? अल्लाह के लिए। अब कैसे पता चले कि नमाज है? क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या नमाज कहीं पहाड़ पर थी? जो कोई मुल्ला उठा लाया तो मेराज का इनकार भी करते, और सबसे ज्यादा नमाज वही पढ़ते। गजब बात, अगर नमाज मान रहे हो तो मेराज भी मान लो। वाह वाह वाह, जाहिर सी बात है, जब कोई कहीं गया होगा तभी ना कोई किसी को कोई चीज दिया होगा। तो आजकल तो ये व्हाट्सएप फेसबुक वाला जो जवानों का मनचला दफ्तर है, वे जगह कहने लगा, एक बार रसूल पाक और चले गए होते ना तो जो पांच वक्त बच गई थी उससे भी नहीं जाता। क्या बात, क्या बात है। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा, अहले स्टेज भाई बाबू, सारी दुनिया जानती कि शबे मेराज में मुस्तफा गए। बोलो सही है क्या गलत? नींद तो नहीं ना रही है? शबे मेराज मुस्तफा गए, बुलाने के लिए कौन आया? हजरत जिब्राइल। तो बुलाने के लिए एक बार, और रब के बुलाने से एक बार गए, एक बार जिब्रील रहे साथ, एक बार आसमान पे चौथे ठहर गए जिब्रील, एक बार। लेकिन बार बार गोया ये पोजीशन क्लियर हो गई महबूब, तेरे रब ने बुलाया एक बार, अपनी उम्मत के लिए आते रहो बार बार। Allah 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 Allah
वो जो याद आ गए अपनी नमाज हो गई, अपनी नमाज हो गई, अपनी नमाज हो गई। अब जरा सब पहले ही बोल चुके हो, नमाज किसके लिए? और अल्लाह के अलावा दूसरे का सजदा हराम। पीर हो हाथ चूमेंगे, नबी हो जूती की खाके पाक चूमेंगे, गौस हो चादर हो तुरबत चूमेंगे, खाजा हो चादर हो संदर चूमेंगे, सजदा नहीं करेंगे। सजदा सिर्फ रब के लिए, कयाम सिर्फ रब के लिए, सना सिर्फ रब के लिए, तशहुद सिर्फ रब के लिए, कुरूद सिर्फ रब के लिए। रब के अलावा दूसरे का सजदा हराम। यही है अहले सुन्ना, यही है तरीके सहाबा। और जब हम सजदे में जाते तो मेरा चेहरा उत्तर दक्षिण नहीं होता, सिर्फ किबले की तरफ। गोया सजदे के लिए चेहरे का भी कि मंजिल तय है, सजदे के लिए मंजिल तय है, मंजिल तय। अब मंजिल की बात आई तो थोड़ा और करनी होगी। नबी बहुत है, रसूल बहुत है, लेकिन उन्हीं नबियों में कलीमुल्लाह भी जोर से कलीमुल्लाह भी है। एक कली यदि पैसा चाहिए तो हर जगह मत मांगना, आसाए मूसा चाहिए हर जगह मत दामन फैला देना, बल्कि रब ने एक मंजिल मुतय्यन कर दिया, कोहे दूर। क्या कोहे दूर? कलीम कलाम करना है तो कोहे दूर दिया जा, आसाए मूसा चाहिए कोहे दूर दिया जा, सिफत की तजल्ली देखनी है कोहे दूर दिया जा, यदि पैसा चाहिए कोहे दूर दिया जा, इल्हाम चाहिए कोहे दूर दिया जा, गाइडलाइन चाहिए कोहे दूर दिया जा, कलीम हर जगह मत मान लेना, लेकिन जब हबीब की बारी आई तो रब ने ऐलान कर दिया, महबूब तुम मूसा कलीमुल्लाह की तरह नहीं हो कि तुम्हारे लिए पहाड़ मुंतखब कर दो, तुम कलीमुल्लाह नहीं, तुम तो हबीबुल्लाह हो। मक्के में रहोगे तो कुरान उतरते रहेगा, मदीने में रहोगे तो आयतें नाजिल होती रहेगी, हुजरे आयशा में रहोगे तब भी कुरान उतरते रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, उसे मुकद्दस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जो याद आ गए अपनी नमाज हो गई। अब आओ जरा सा देख लो नमाज किसके लिए? जोर से बोलो, अल्लाह के। नमाज अल्लाह के, रोजा अल्लाह के, हज अल्लाह के लिए, जकात अल्लाह के। और मैं तो कहता हूं भारत से प्रेम के ढोलक बजाने वालों, मुसलमानों से ज्यादा देश प्रेम की सर्टिफिकेट मांग मत मांगो टैक्स चोरों, तुम तो जीएसटी भी पूरा नहीं देते हो, मुसलमान तो दो दो टैक्स देता है, एक हुकूमत वाला भी टैक्स देता है, एक रब के हुक्म वाला भी टैक्स देता है।
यहाँ तो 2.5% क्लियर क्लियर दे दो तब जाओ ईद पढ़ने। जी क्या गलत है क्या? और वहां तो जितना चाहो उतना हड़प लो, सब ठीक है। नमाज रब के लिए आइए बोलिया। वो तस्वीर आ रही है कि रश करोगे बोला तो रंग चढ़ जाएगा। मोहब्बत से, मोहब्बत से तवज्जो। सुभान अल्लाह। नमाज किसके लिए? अल्लाह के लिए। अब जहन को करीब कर लो। नमाज रब के लिए, पढ़नी है रब की नमाज। और गोद है नबी की। जोर से, जोर से। पढ़नी है रब की नमाज। पुष्टि अनवर है नबी की। पढ़नी है रब की नमाज। क्या बात है, क्या बात। कांधे मुकद्दस है मुस्तफा की। और सवार है हुसैन। सुभान अल्लाह। कब बोलोगे? और नमाज में ख्याल भटक जाए तो नमाज नहीं होगी। इधर से बाद में थोड़ा और पढ़ें। अरंधों को बॉर्डर पर भेज दो भाई, देश के सरहद पर बहुत जरूरत है। बुरा लग छुताहट है कह रहे। छोड़ दीजिए, हो गया हो गया। बैठे आप, बैठे। अरे आप लोग क्यों परेशान हो? बच्चे बच्चों की लड़ाई में देश में कॉमनल दंगा हो जा रहा है। अभी मालूम है लेकिन नहीं हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए वीर कदम कीजिए। अरे आप लोग काहे नहीं खड़े हो भाई? लगा अल्लाह से गुजारिश है कि वहां जाकर फिर खत्म करें। अब जाएगा तो सब वही पहुंच जाए। चारे को आदमी उसको उसी हाथ में छोड़ दो ना। नहीं नहीं, वो दूठ पहलवान था, भिड़ गया वो। कमाल, जब दो दारू बाज ज्यादा पी लेता है तो शहर में दंगा हो जाता। औरंगाबाद में कोई बताओ, जब मैं फोन किया कि क्या पोजीशन है, हुआ कैसे, तो मालूम हुआ दो दारू पीने वालों ने इतना पी लिया कि आपस में भिड़ गए। एक ने दूसरे को मारा तो मुसलमान गया तो अपने मोहल्ले में बोला हमको हिंदू ने मारा है, और हिंदू गया तो मियां की टोली में बोल दिया कि हमको मुसलमान ने मारा है। न हिंदू पूछ रहा है कि काहे मारा है, न मुसलमान पूछ रहा है काहे मारा है। देख तलवार ली तलवार। तो हमने अंदाजा किया कि हमारा देश इतना डेवलप कर गया है कि अब देख वो कुछ चलता नहीं है, सुन के सारा काम कर देता। गलत है। अच्छा कोई खान साहब होंगे तो माफ करें। खान साहब थोड़े हैं। अरे आशिकों की कोई बिरादरी नहीं होती है, उसकी एक ही बिरादरी है कि वह आशिकों मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा बस चले तो सब बिरादरी का कुत्ता कबाड़ के एक दिन जला दी सिवाय सादा। हाँ।
अब तो हजरत कुछ ऐसे ऐसे फालतू लोग पैदा हो गए हैं कि मुसल्ला बांट देंगे बिरादरी के नाम पर। जी सर। एक बार खान साहब आ रहे थे कहीं से, तो देख रहे हैं कि बागीचा में शैतान बड़ी मस्ती में बैठे थे। तो खान साहब लिए हुए थे लाठी, चढ़ा था जलाल। तो शैतान को देखने के बाद थोड़ा बीपी और हाई हो गया। बोले, अरे मर्दूद, तू मेरे गांव के बागीचे में क्या कर रहा है? तो मॉडर्न शैतान को, बोला, ओए खान साहब, आज हम बिल्कुल बेफिक्र है। बोला, इतना बेफिक्री के साथ यहाँ क्यों बैठा है? मेरे गांव पर कोई अटैक तो नहीं करेगा? बोला, नहीं, वो दो चीज बची थी, अब वो दोनों दे के गांव में लौट आया। खान साहब हड़के, बोले, मतलब? बोले, दो भाई में बड़ी मोहब्बत थी और दोनों की बीवी को संका दिया। शाम तक तलवार निकलना तय, और उसके बाद छोटी सी एक पुड़िया बच गई थी हसद वाली। किसकी वाली? तो पांच ठो मौलाना लोग बैठे थे, थोड़ा थोड़ा उन लोगों पर गिरा दिया। अब लोग उसी में किताब लेने के तैयार है कि मेरा इल्म इतना कुंतल, मेरा इल्म इतना कुंतल, मेरा इल्म इतना कम। इसलिए बेफिक्र। लेकिन खान साहब, आप तो बड़ी मस्त आदमी हैं, बड़े जमींदार हैं। मेरे पास 2 एकड़ जमीन है, मेरा खेत बटैया लीजिएगा। खान साहब तो खान साहब इतनी फजीलत बयान कर दिया था, खान साहब को चढ़ा था। बोले, लेंगे, चल खेत दिखाओ। ले जाकर पूरा टापू दिखा दिया। खान साहब बोले, सौदा मंजूर, 1 साल से पहले छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अब ये तय कर लो, फसल होगी तो ऊपर का लोगे कि नीचे का लोगे? बाद में लफड़ा नहीं, अभी तय करो। तो सब जानता है कि माल ऊपर ही होता। तो शैतान बोला कि हमको क्या बेवकूफ समझ लिए हैं, हम ऊपर का लेंगे। खान साहब बोले, कोई टेंशन नहीं, हम सब ऊपर का तुम्हीं को देंगे। आराम से खान साहब ने आलू बो दिए। जब आलू पक गया तो खान साहब बोले, ओए पत्ता काट ले। शैतान बोला, पत्ता? बोले, ऊपर का तय था, नीचे का मेरा। शैतान बोले, यार सबको हम पटकते थे, ये पहली मतलब हम धुक जा पट। अच्छा, रुको, खान बताते दूसरी बार तो बताते। खान साहब जब आलू घर कोल्ड स्टोर भिजवा दिए तो बोले, अब बोल, ऊपर चलेगा कि नीचे? शैतान बोला, एक मर्तबा तो कच्चा खा गया, दोबारा थोड़ी, आपकी मर्तबा नीचे कर लेना। खान साहब बोले, कोई टेंशन नहीं, तुम नीचे ही करेगा, आराम से गेहूं बो दो, ऊपर की सब बाली पंगवा ली। बोले, ढट्ठा छोड़ दिया है, थ्रेसर में डाल लेते। अब खान साहब भी सोच लिया, अब तो खेत खाली करने का समय आ गया, अभी हमको देगा नहीं, देगा भी है तो हम इसे लेंगे नहीं, अब कोई आइटम बचा भी नहीं। ये तीसरा है। खान साहब बोले, बोल, ये तीसरा है, अब की बार ऊपर चलेगा कि नीचे? शैतान बोला, 2 मर्तबा पटका चुका हूं, इस बार ऊपर नीचे दोनों लोग। खान साहब मौज पर हाथ फेरे, बोले, कोई टेंशन नहीं, ऊपर नीचे दोनों ले लेना, आराम से मकई बो। ऊपर नीचे पड़ा रहा, बीच का माल उठाए। क्या गजब का लोग। अल्लाह बोलता, शैतान बहका दिया तो बीवी को तलाक दे दिया।
जो ईमान वाले को वो बका नहीं सकता। अरे जब अजान की आवाज पर शैतान भाग जाए तो जिस दिल में मुस्तफा हो वहां कहां शैतान आ पाओ। वो जो याद आ गए अपनी नमाज, याशिकों की नमाज है, ये इश्क वालों की नमाज है, महबूब के बगैर रब का सजदा मुकम्मल ना हो, याशिकों की नमाज है, गोद है अली की, कपूरों के बोल दो, गोद है अली की, सरे पाक है नबी का, नमाज है रब की, फर्ज कह रहा है अली खड़ा हो जाओ। बोलो बोलो बोलो, फर्ज कह रहा है अली खड़ा हो जाओ, और इश्क कह रहा है अली हिलना हिलना, सूरज डूब रहा है, सूरज डूब रहा है, फर्ज छूटे जा रहे हैं, अली रोए जा रहे हैं, अली रोए जा रहे हैं, एक तरफ रब है यू कहे रजाए रब है, एक तरफ नमाज है और दूसरी तरफ जाने नमाज है, एक तरफ फर्ज है दूसरी तरफ रूह फर्ज है, एक तरफ रब का सजदा है और दूसरी तरफ नबी का इश्क है, अली मुल्ला नहीं मौलाना नहीं, अमा यार ये वो अली है जो कुरान पढ़कर ईमान नहीं लाए, नबी को देखकर ईमान लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उसे मुकद्दस, उसी अली के बारे में नबी फरमाते अना मदीनतुल इल्म वादी जुन बाबोहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजे। अगर इल्मी गुफ्तगू सुनने वाले हो तो जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आज के तेल बेचने वाले मौलवी हो, मौला अली पे फतवा लगा दो, अरे आजनी के बेटे के नाम की करामत ये, आजनी के बेटे के नाम की करामत ये कि भारत का खैर मुस्लिम भी अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखता, गैर मुस्लिमों को भी पता है कि मुहर्रम में जाकर चांद दिख गया तो हुसैन वाला लाल किला को तोड़कर यजीद को निकाल लेगा, दीवारों को फाड़ कर यजीद को निकाल लेगा, इसलिए कि नबी वाला सबको बर्दाश्त कर सकता है, उसके दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो नबी से इश्क करने वाला हो, रसूल से मोहब्बत करने वाला हो, जो नबी से इश्क रखने वाला हो। अना मदीनतुल इल्म वादी कुन बाबोहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे है, एक तरफ फर्ज है दूसरी तरफ रसूल है, एक तरफ फर्ज है दूसरी तरफ इश्क है, एक तरफ नमाज है दूसरी तरफ महबूब है, ए अली फैसला करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अली फैसला
पहले फर्ज की पहले नबी, पहले सजदा की पहले रसूल, पहले इबादत की पहले मुस्तफा। तो अली का इश्क भूल पड़ो, अली का इश्क भूल पड़ो, नमाज की कजा की अदायगी हो जाएगी, लेकिन इश्क कजा हो जाए तो उसकी अदायगी नहीं होगी। अली रोते थे, अली रोते थे, सूरज डूब गया, डूब गया, डूब गया, वो रोते रहे, वो डूब गया। रहमत वाले आका की जब चश्मे मुकद्दस खुली है तो होंठों पर मुस्कुराहट है। नबी मुस्कुरा रहे हैं, अली रो रहे। ये अली रोते क्यों? अली रोते क्यों? मौला अली ने अर्ज की, वो डूब गया, वो डूब गया, मेरी नमाज असर कजा हो गई, वो डूब गया। तवज्जो चाहो, वो डूब गया। तो रहमत वाले मुस्तफा फरमाते डूब गया, डूबने तो रोते थे। डूब गया, रोते क्यों? डूबने तो रोते क्यों हो? कजा हो गई। रहमत वाले मुस्तफा फरमाते ए अली डूबा किधर है? क्या कहने, क्या कहा? डूबा किधर है ए अली? डूबा किधर है? गोया अगर तुफैल खान साहब के बेटे को, भतीजे को कोई तकलीफ देकर गुजर जाए तो ये पहुंचने के बाद सीधे यही कहते वो गया किधर? वो गया किधर? रोबो मां, तेरे चचा को ढूंढ लेने का इख्तियार है। ए अली डूब गया, डूबने दो, रोते क्यों हो ये बताओ, डूबा किधर है? या रसूल अल्लाह इसी तरह, इसी तरह। क्या कहा? इसी तरह। रहमत वाले आता कि मुझसे पाप उठी, झूम के, झूम के, झूम के, झूम के, आशिको झूम के, गोया सूरज झुक कर इंतजार कर रहा था, आज मेरी मेराज होने वाली है। क्या कहने? आज मेरी मेराज होने वाली है। अब तक रब के बुलाए से निकलता था, आज रसूल के बुलाने से निकलने वाला हो। इशारे एक पैगंबर पाया, डूबा हुआ सूरज निकल आया। क्या करने? दुनिया हैरत में, ये डूब कर कैसे निकल गया? अच्छा बता, नेचर ये के डूबने के बाद कभी निकला नहीं, आज कैसे निकल गया? तो डूब कर निकलने वाला सूरज किसी और को नहीं देखता, सिर्फ मौला अली को देखे। अरे बोल यार जोर से, अरे जोर से। फरिश्ते अली को देखे, फरिश्ते मौला अली को देखे, और सूरज
मौला अली का इंतजार करे। अली तेरा रुकू मुकम्मल हुआ के नहीं, अली तेरा सज्दा मुकम्मल हुआ के नहीं, अली तेरा कयाम मुकम्मल हुआ के नहीं, अली तेरा कुहूद मुकम्मल हुआ के नहीं, अली तेरा सना मुकम्मल हुआ के नहीं, अली तेरा तशहुद मुकम्मल हुआ के नहीं, अली तेरा जिक्र मुकम्मल हुआ के नहीं, अली तेरा सुभान रब्बियल अजीम मुकम्मल हुआ के नहीं, अली तेरा सुभान रब्बियल आला मुकम्मल हुआ के नहीं। अब तक सबके लिए निकला था, आज सिर्फ अली के लिए निकला हो तो जब डूबा हुआ सूरज बोल तो बोल दे, पीछे कोई खड़ा होके नारा लगाओ कोई काशी से रसूल पीछे, जवाब जोर से दे, जोर से जोर से, और मौला अली की इबादतों का कमाल ये है कि अली उस वक्त तक रुकू से सर उठाते नहीं जब तक के अली का रुकू कबूल न हो जाए, अली सच्चे से सर उस वक्त उठाते नहीं। जिंदाबाद। वो जो याद आ गए अपनी नमाज हो गए, लेकिन कौन समझाएगा साहब सज्जादा इस वक्त पूरे हिंदुस्तान का भारत का मुसलमान सियासी आईसीयू में है। झूठ बात के कोई सेक्युलर बच गया? अरे तेरे वोट से सबको मोहब्बत है रे, तेरी औलादों से किसी को नहीं। लेकिन मातम करो, सर पीटो, मुसलमान अपने बच्चों के लिए उतना फिक्रमंद नहीं है जितना लालू जी के लिए चिंतित है, मुसलमान अपनी औलादों के लिए उतनी फिक्रमंद नहीं जितना फिक्रमंद राहुल के लिए, मुसलमान अपने लिए उतना फिक्रमंद नहीं जितना नीतीश कुमार के लिए। मैं पूछता हूं बताओ, आज बलिया भी बहुत खराब आदमी है, क्यों पूछ रहा है कि कितने एसपीडी या मुसलमान के बच्चे हैं? बहुत खराब कितना पीडीओ सीओ मेरा बच्चा है? बहुत खराब आदमी। अरे सबक लो दलित भाइयों से कि सिर्फ थोड़ी सी अदालत में लोगों ने कह दिया कि नौकरियों के प्रमोशन से रिजर्वेशन खत्म होगा तो हिंदुस्तान की तारीख में नई तारीख लिख दी गई कि सड़क पर वो उतरे हैं जिन्होंने कभी अखबार नहीं पढ़ा। क्यों? इसलिए कि उनमें जिंदगी है। कब तक ठीक मानेंगे हम? एक बलियाबी के एमपी या एमएलसी बनने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 243 विधानसभा में 16% जिस कौम की आबादी है, आज वो कौम भीख मांग रही है? अरे हम तो सेकुलर समझकर सबको वोट दे देते, लेकिन उन्हीं सेकुलर पार्टियों से जहां मेरी कौम का बेटा उम्मीदवार होता, उन सेकुलर पार्टी के लीडरों का और उनकी बिरादरी का वोट मेरे बच्चों को क्यों नहीं मिलता? अगर मिलता तो और आई से मेरा भी बेटा विधायक हो सकता था, मुजफ्फरपुर से मेरी भी कौम का कोई बच्चा विधायक हो सकता था, लेकिन उनका हम 10 वोट ले
दूल्हा लंगड़ा रेपिस्ट बलात्कारी उचक्का चोर क्रिमिनल हम ढूंढ लें, मेरा एक शरीफ उनको नहीं बर्दाश्त होता। तो अगर ये मैंने लड़ाई छेड़ी है तो गलत किया है कि ठीक किया है? अरे बोलो ना, धीरे बोल रहे हैं। ये लड़ाई अगर बलियागी ने छेड़ा है तो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? तो गलत का साथ दीजिएगा कि सही का? तो क्या उम्मीद रखें कि आप इस तहरीक में कांधे से कांधा मिलाइएगा? तो मेरे पास पैसा तो नहीं है, मैं तो खुद ही के किराए के घर में रहता हूं। सबक हासिल करो उत्तर प्रदेश के दलित भाइयों से, कांशी राम और मायावती से। सबक लो झारखंड के जंगल में रहने वाले आदिवासी भाइयों से। उन्होंने वोट का पावर समझ लिया मुसलमानों, दो सौ और 500 में अपने बेटों का भविष्य और मुस्तकबिल बेचोगे। मैं तो सिर्फ 7 साल तो कैल बाबू मुसलमानों से मांग रहा हूं, 5 साल सब्र का और 2 साल साहस का। उसी के लिए कौमी इत्तेहाद मोर्चा की तहरीक चल रही है गांवों गांवों, और हमारा प्रोग्राम मोर्चा का ये है कि हर बूथ तक पहुंचना है, हर चूल्हे तक पहुंचना है। इसलिए कि जब तक मेरी कौम के जवानों में लीडरशिप पैदा नहीं होगी, जिसको जब ये नहीं आ रहे तब आतंकवादी बना दे, जब जी में आवे तब दहशतगर्द कह दे। और आप मस्त हो कि उनका बेटा है, मैं क्या करूं? माफ करना, आज उसके बेटे को उठाकर ले गया है, कल तेरे बेटे की बारी आएगी। तब मैं कहता हूं कि अगर किसी के बेटे को ले जाए तो घेर लो थाना, घेर लो कलेक्टर को, घेर लो 5-10 हजार की तादाद में। मुझसे ज्यादा भारत से प्रेम करने वाला कौन होगा जी? तुम्हारे बलियावी ने तो पार्लियामेंट में इनके दांत खट्टे किए थे जो 56 की छाती दिखाते हैं। साफ लफ्जों में मैंने कहा था मोदी जी बहुत तमाशा हो गया, बंद करो। अगर पाकिस्तान के आतंकवादियों से नहीं निपट पा रहे हो तो बंद करो। सिर्फ फौज में 30% मुसलमान के बच्चे को जगह दे दो। कितना? 30%। सिर्फ 30% दे दो, सिर्फ 30%। आजादी के बाद देश में 3 सेना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, किसी भी सेना में मुसलमान का बच्चा 3% भी नहीं है। जनरल मुसलमान नहीं, ब्रिगेडियर मुसलमान नहीं, कर्नल मुसलमान नहीं। तो जब मुसलमान आई नहीं है तो पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में आते कैसे? और आते हैं तो उनको मार कर गिराते क्यों नहीं हो? अगर तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं तो 30% जगह दे दो। अरे भारत का मुसलमान जब ख्वाजा की चादर चूमकर कांधे पर तिरंगा लेकर चलेगा तो लाहौर से गाड़ कर वापस नहीं लौटेगा। इस्लामाबाद के पार्लियामेंट पर तिरंगा
देगा, इसमें वो कम और चुनी। लेकिन कमजोर आपने किया है, मालूम है बिहार में मुसलमानों ने कितनी जमीन बेची है, 700 करोड़ की जमीन बिकी है मुसलमानों की। 2016-17 में 700 करोड़ की जमीन बिकी है। तो फैल बाबू ये जमीन बेचकर जमीन नहीं खरीदी, 700 करोड़ की जमीन बेचकर मुसलमानों ने अपनी बेटियों की शादी की। मैं पूछता हूं जमीन में जिंदगी है तो बता मुझको। जब दावत के लिए और जबान की आवारगी के लिए जमीन बेच दो तो 30 साल के बाद मेरे बच्चों को सर छुपाने को जगह कहां रहे। फिर 30 साल के बाद बच्चे के हमारे कहीं रोड के किनारे छप्पर प्राण के जीने पर मजबूर होंगे, और जब झोपड़ियों में हमारे बच्चे मिलेंगे न तो वर्दी पहनी हुई हुकूमत के गुंडे हमारे बच्चों से कहेंगे तुम हिंदुस्तानी नहीं हो, अगर हो तो सबूत दो। हमारे बच्चे कहेंगे ये आधार कार्ड, हुकूमत के गुंडे कहेंगे ये जाली है, वोटर आईडी कार्ड कहेंगे ये जाली है। अगर तेरे बाप दादा की कोई जमीन हो तो चल उसको दिखा, तो जब जमीन बेच चुका है तो कुछ जमीन को दिखाएगा, तो जो 30 साल बाद होने वाला है वाज दिखाई दे रहा। 30 साल बाद के तूफान को अगर रोकने की तमन्ना है तो अल्लाह के वास्ते रहम करो मेरी कौम के गरीब बेटों पर। बंद करो जमीन बेचकर दौलत खाना, क्या बात क्या बंद करो जमीन बेचकर बिरयानी खाना, मस्जिदों में बेटा और बेटी का निकाह कर दो, उसी पैसे को बचाओ और अपनी औलादों को पढ़ाओ। अपनी औलादों को पढ़ाकर पावर वाला कलम दिला दो। अगर तेरे बेटों के हाथ में पावर वाला कलम आ जाएगा ना तो यही हमारे बच्चे मस्जिद के मेहराब में खड़ा होकर अपने पीराने रुसाम का हाथ चूम कर कहेंगे हजरत खानकाहों में बैठकर बुजुर्गों की चौखट की अजमत आप पहुंचा दो। उलमा का हाथ चूम कर कहेंगे बच्चे हजरत मेहराब में खड़े होकर रजा का मुसल्ला आप पहुंचा लो, पावर वाले कलम की नोक से मस्जिदों का मिनारा हम बचा लेते हैं। इसके लिए आपसे इल्तिजा, ये काम गरीब नहीं कर सकता, वो मजबूर है नहीं कर सकता। अगर कौम की हमदर्दी और मोहब्बत है तो मेरे अजीज पैसे वालों एक जगह बैठ जाओ, दौलत वालों बैठ जाओ, और जिस दिन अमीरों ने अपने पेटों का निकाह मस्जिदों में शुरू कर दिया उस दिन गरीब खुद ब खुद अपनी बेटियों का निकाह मस्जिदों में शुरू करते। सुभान अल्लाह, अल्लाह हम सबों को अमले खैर की तौफीक दे। आज हम लोग जिनके उर्स मुकद्दस में हाजिर हैं वो मस्तान भी थे और मरकज भी थे। नबी थे मस्तान के, मरकज थे अपने अकीदत और मंद और आशिकों के। वो नबी के मस्तान थे, उनका मरकज गुंबद-ए-खजरा था,
हम उनके आशिक हैं। मेरी राहे निजात ये है अल्लाह ताला बुजुर्गों के फैज से, हजरत मस्तान बाबा के फैज़ो बरकात से, हर ईमान वालों की दुनिया और आखिरत को संवार दे, जिंदा रहे तो नबी के लिए आखिरी सांस हिचकी जाए तो नबी के लिए। यार जिंदा सोहबत बाकी, खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम।